नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। लास्ट फ्राइडे को जो हमारा लाइव हुआ था, बहुत मज़ेदार लाइव था, मुझे बड़ा मज़ा आया उसके ऊपर। तो मैंने सोचा कि अब हर शुक्रवार की शाम को 8 बजे अपन सब लोग मिलेंगे और अपना जो भी डिस्कशन होगा, जो चर्चा होगी, हम चर्चा करेंगे उसके ऊपर। चाहे आपके डाउट हो, जो भी डाउट हो, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, तो मैं वन बाय वन करके पहले आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, फिर आपके जो भी और क्वेश्चन या फिर जो क्वेरीज होंगी वो उसको लेकर के हम लोग आगे उस पर चर्चा करेंगे। तो लास्ट वाले हमारे जो फ्राइडे के दिन, जो शुक्रवार को जो लाइव था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत बार एक कॉमन क्वेश्चन लिया गया था कि भाई फॉल्स ब्रेकआउट जो होता है, जो फेक ब्रेकआउट, फोका ब्रेकआउट होता है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें और उससे बचे कैसे हम। और मेरे पास उसकी मेल भी आई थी। अच्छा, एक चीज बताता हूँ, मार्केट के अंदर कोई भी चीज 100% नहीं होती, हम सब जानते हैं, इसकी गारंटीड कुछ नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को, किसी भी एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। मतलब जो हम जैसे पहले 100% फंसते थे, तो हम क्या करेंगे कि अब सिर्फ 10 या 15% ही उसमें फंसेंगे। अगर हमने 10-15% उसको मिनिमाइज, 80% हमने अगर उसको खत्म कर दिया, उस एरर को, उस फंसी को, तो भी हमारे बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो आज हम क्या करते हैं, उसी पर चर्चा करते हैं कि हम उस फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बच सकते हैं, हम क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं और क्या कंपेरिजन कर सकते हैं। तो हम उसको करेंगे दो चीज से कंपेयर, उस फॉल्स ब्रेकआउट से को आइडेंटिफाई करने के लिए। सबसे पहला तो वॉल्यूम, और दूसरा हम यहाँ पर लगाएंगे RSI। RSI हम सबको पता है किस चीज के लिए होता है, वॉल्यूम भी हमें पता है सबको कि क्या होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम स्पॉट के चार्ट पे नहीं लगता है, बाकी सारे चार्ट पे लगता है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, टाइम फ्रेम आप कोई भी रख सकते हो, बेसिक सबका सेम रहेगा। हम थोड़ा सा बस खाली एक सेटिंग चेंज करेंगे, इसको थोड़ा सा पहले मोटा मोटा कर लेते हैं, दिखता सही है। फिर उसके बाद इसको शेड को हटा देते हैं और वॉल्यूम की सेटिंग के अंदर आकर के हम इसको लाइन मोटा ब्लैक, ठीक है। ये सेटिंग आप लोगों ने कर लेनी है। करने के बाद अब हमने RSI में कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी, हमें सिर्फ ये देखना है कि जो लास्ट टाइम जहां मार्केट जहां तक गया, फॉल्स उस ब्रेकआउट तक गया, तो जो लास्ट वाला जो टॉप था, जो लास्ट का जो लेवल था, वो उसके बराबर है कि नहीं है, उससे ज्यादा है कि नहीं है। अब मैं बताता हूँ एग्जाम्पल पर, अगर नहीं समझ में आया तो। सबसे पहले हम देखेंगे आज की मार्केट का, ठीक है जी। 26 तारीख को मार्केट खुली, तो 26 तारीख को उसने एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया। उसके पहले हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा ना एक लेवल मार्क कर लेते हैं। लेवल क्या था, जो सबसे लास्ट का जो एक लेवल था, ये वाला, ये था एक लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था ये, जिसका कि वेट कर रहे थे हम सब लोग कि कब ये टूटे और कब हम जो है सो यहाँ पर एक लॉन्ग पोजिशन को बनाए और एक लंबा सा टारगेट ले, मगर ऐसा आज हुआ नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर क्या था कि ये वाली जो हरी ग्रीन कैंडल है, ये देखिए, ये आज का नहीं है, ये 25 तारीख का है, मैंने ये 22 तारीख का है, सॉरी, मतलब शुक्रवार का। शुक्रवार को देखिए, इसने यहाँ पर 2:14:45 पे एक ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि ब्रेकआउट सही था कि गलत था, अब उसको पहचानने का हमें दो कंडीशन, दो चीज में हमें कंपेयर करना है। सबसे पहला तो जो हमारा जो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम तो यहाँ ठीक लग रहा है, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को अगर हम देखेंगे तो ये कितनी सारी इसने कैंडल को इनगल्फ कर दिया और इसने 20 SMA के ऊपर भी क्लोजिंग कर दी, बहुत अच्छी। तो वॉल्यूम से तो हमें लग रहा है कि ये हमारा जो है सो ब्रेकआउट सस्टेनेबल है, मतलब ये फोका ब्रेकआउट नहीं है, ये रियल ब्रेकआउट है, असली ब्रेकआउट है। दूसरा हम कंडीशन क्या लगाएंगे, दूसरी कंडीशन हम लगाएंगे यहाँ पर RSI की। तो जब लास्ट जो टॉप बना था, तो यहां से हम लेकर के और जो हमारा जो करंट है, हम इस दोनों की जो टॉप को, इसको यहाँ पर हल्का सा यहाँ पर एक मिलाएंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कोई डाइवर्जेंस तो नहीं है, क्योंकि अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो कायदे से RSI भी ऊपर की तरफ होना चाहिए, मतलब लास्ट से ऊपर की तरफ होना चाहिए। पर यहां पर अगर हम देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, एक हल्का सा डाइवर्जेंस, एक दिखता है हमें हल्का सा डाइवर्जेंस दिखता है। यहां तो ब्रेकआउट हुआ जबकि कैंडल भी बड़ी थी, मगर इसके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, उतनी भी स्ट्रेंथ नहीं थी जो लास्ट टाइम वाले में कैंडल में थी, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि यहां पर हमारी एक कंडीशन तो पास हुई, मगर दूसरी कंडीशन फॉल्स हो गई। अब फॉल्स हो गई तो हमें यहाँ पे रुकना है, क्योंकि जब तक हमारी ये दोनों कंडीशन मीट नहीं करता है, तब तक हमें जो है सो अगली पोजीशन नहीं बनाना है। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मस्त एकदम से देखिए रेड कैंडल बने, उसके बाद ये डाउन आ गया, मतलब ये हमारा ब्रेकआउट, यहाँ पर हमने उसको पकड़ लिया कि भाई ये जो था, ये माइट भी हो सकता है कि फॉल्स ब्रेकआउट हो 50-50, क्योंकि एक कंडीशन मीट करी और एक कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, एक ट्रू हो गई। तो हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, ट्रेड नहीं लिया तो देखो बाद में जब हमने कैंडल बनी, तो हमने ये बिल्कुल हमारा सटीक था कि भाई हमारा ये ब्रेकआउट फॉल्स था और हमने कोई पोजीशन नहीं लिया, अगर लेते तो हमारा SL पक्का था, हिट हो जाता, नहीं तो लॉस तो था ही था, SL अगर हिट भी नहीं होता तो लॉस था।
अब हम आज का देखते हैं। अब जैसे 26 तारीख को मार्केट खुली, ठीक है, 26 तारीख को मार्केट खुली, कितनी बड़ी कैंडल बनी, कैंडल बनी मस्त एकदम। मगर यहाँ पर देखिए कैंडल बहुत बड़ी बनी, इसने भी बहुत सारी कैंडल को जो है सो घेर लिया, इनगल्फ कर लिया, उसको निगल गया। मगर यहाँ पर स्ट्रेंथ कहाँ थी मार्केट के अंदर, अगर आप देखोगे स्ट्रेंथ तो थी नहीं बिल्कुल भी। अब इसके बराबर की कौन सी कैंडल थी, आप वहां से उसको डाइवर्जेंस चेक कर लो। अब जैसे यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल इसने इस लेवल को टच किया, वॉल्यूम बहुत बड़ा बनाया, मगर मार्केट में स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं थी। तो यहाँ हमें पहले ही पता चल गया कि ये जो कैंडल बन रही है इसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो अगर ये ब्रेकआउट देता, जो कि नहीं दिया, तो ये भी एक फॉल्स ब्रेकआउट होता, मगर इसने इसको ब्रेकआउट को दिया ही नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसने एक बनाया, सेम कंडीशन ये हुई कि देखिए यहाँ से इसने इस वाले का जो था, अगर हम इसको थोड़ा सा लाइन को और खींच के इसको यहाँ तक ले आए तो हमें क्या दिखता है, सेम वही चीज़ है जो हमारा जो लास्ट वाला जो ग्रीन कैंडल था, ये तो उसको भी मीट नहीं कर, वो तो उसके भी नीचे स्ट्रेंथ रही। और ये वैसे तो वॉल्यूम इसमें तो दोनों चीज़ें हमारी पता चल गई हमें, वॉल्यूम भी उतना बड़ा नहीं था क्योंकि इसे 20 MA के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दे पाया, और हमारा जो है सो डाइवर्जेंस भी बहुत बड़ा क्रिएट हुआ यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर ही पता चला कि ये जो है सो एक तरह से जो ब्रेकआउट है ये फॉल्स हो सकता है, जो कि हुआ बाद में, फिर मार्केट बाद में साइडवेज हो गई, वो एक अलग चीज़ है। सेम वे में हम यहाँ पर बहुत सारी जगह पर इसको हम पता कर सकते हैं कि कौन सा फॉल्स ब्रेकआउट है, कौन सा जो है सो एक सच्चा ब्रेकआउट है। अब यहाँ पर भी था, तो यहाँ पर तो जो है सो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर मार्केट जो है सो देखिए वॉल्यूम भी बड़ा बनाया रेड कलर का कैंडल, और इसने अपने 30 के नीचे RSI को भी मेंटेन किया, और इसमें कोई डाइवर्जेंस नहीं था, बिल्कुल ये डाउन साइड की तरफ ही काम करता रहा, और यहाँ पर इसने बड़े अच्छे से काम किया। उसके बाद अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ तो कोई खैर कोई ब्रेकआउट है नहीं, पर और भी इसी तरह से हम अपने ब्रेकआउट को बैकटेस्ट कर सकते हैं, ऐसे एंडलेस है। आप 1 साल 2 साल 6 महीने 4 महीने तो कोई भी ऐसा ब्रेकआउट देख सकते हैं कि जहां पर ब्रेकआउट हुआ तो वो ब्रेकआउट फॉल्स था या फिर वो सच्चा था कि झूठा था, हमें इन दोनों चीज से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना कर सकते हैं बैकटेस्ट, और बैकटेस्ट करने के बाद फिर हम इसको मार्केट में फॉरवर्ड टेस्ट भी कर सकते हैं अपने पेपर ट्रेड के साथ। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी टॉपिक पे था, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बहुत मजा आया होगा इसको वीडियो को देखने के देखकर आपको। तो बस ऐसे ही आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।